हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीएसआर नेट, आईआईटी जेम या गेट एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं और आपके दिमाग में यह दुविधा है कि सेल्फ स्टडी करूं या कोचिंग करूं, और अगर कोचिंग करूं भी तो कैसे हम एक अच्छे कोचिंग का चयन करें, तो यह वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। तो आइए हम लोग उन बातों को समझते हैं। तो सबसे पहला बात है कि कोचिंग अगर हमको करना है तो सेल्फ स्टडी करूं या कोचिंग को ज्वाइन करूं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, कि ताकि हमारी सफलता जो एग्जाम में हम सफल हो जाए। तो बात बहुत बहुत छोटी सी चीज है कि प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करना बोर्ड एग्जाम जैसा नहीं है, बीएससी और एमएससी एग्जाम जैसा नहीं है। यह आसान नहीं होने के वजह से और दिनों दिन यह कठिन होते जा रहा है। सो अपने दम पर पास करना और थोड़ा कठिन हो जाता है, आसान नहीं रहता है। तो अगला सवाल है कि भैया, तो हमको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या हमको कोई मेंटर चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए ताकि हम आसानी से उस परीक्षा के बेसिक कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को समझ लें और हम उसको पास कर लें। सही बात है। तो हमारे समझ से कहीं ना कहीं कोचिंग या किसी के गाइडेंस में तैयारी करनी चाहिए। अगर इस बात से सहमत है तो आप लिख सकते हैं, नहीं सहमत है तब भी लिख सकते हैं कि भाई हम इस बात से सहमत नहीं। कोचिंग ज्वाइन करने से फायदा क्या होता है कि आप थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक तरीके में आ जाते हैं। सेल्फ स्टडी में कहने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन हो नहीं पाता है। बहुत कम लोग होते हैं और बहुत कम लोग डेडिकेटेड होते हैं जो अपने सेल्फ स्टडी को या स्टडी प्लान बना के कुछ कोशिश टाइम टेबल से कर पाते। एक समय के बाद वो भी सुस्त हो जाते। एनीवे, ये सब बातें तो बात की बात है, लेकिन सारे परिस्थिति में एक गाइडेंस के लिए एक मेंटर की जरूरत होती है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। और यह बोर्ड एग्जामिनेशन, बीएससी एमएससी के एंट्रेंस की एग्जामिनेशन, बीएससी और एमएससी का जो रेगुलर क्लास का एग्जामिनेशन नहीं है। वहां तो सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम नंबर है या ज्यादा स्टूडेंट पास ही कर जाते। अब अगला बात बेसिक चीज है कि कैसे हम लोग कोचिंग का सिलेक्शन करें, सही कोचिंग का सिलेक्शन, ताकि हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाए। तो हम इसके बारे में डिस्कस करें। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोर देन 95% स्टूडेंट्स दो ही सवाल करते हैं, तीसरा कोई सवाल नहीं करते। और हो सकता है कि आप भी यही सवाल करेंगे कि एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए कितना फी है। और जो दूसरा सवाल है, पूछा जाता है कि एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितना टाइम फ्रेम लगेगा। सही बात है, यही दो सवाल बेसिक पूछा जाता है। मेरे के अनुसार, हमारे अनुसार हम कहेंगे ये दोनों सवाल से भी कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। साधारणता यही देखा गया है, यह दो सवाल पूछा जाता है। और तीसरा, किसी ने कुछ कह दिया, किसी परिचित ने कह दिया कि एडवर्टाइजमेंट है, उसका नाम बहुत चल रहा है, वो जानता उनता नहीं, उसकी गुणवत्ता के बारे में कुछ नहीं जानता है, फिर भी वो बोल देगा कि भैया आप इसको ज्वाइन कर। एनीवे, हम उस पहलू पर नहीं जा रहे। सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाने वाला स्टडी मटेरियल क्या है, क्या पढ़ाया जाता है। पहला बात, क्या पढ़ाया जाता है, क्या उसको पढ़ाने से हम सफल हो जाएंगे। दूसरा चीज, पढ़ाने का तरीका कितना प्रभावी है। अगर हम कमजोर स्टूडेंट्स हैं तो क्या उसके पढ़ाने से हम में इम्प्रूवमेंट आएगा, पढ़ाने का तरीका कितना इफेक्टिव है। और जब तक इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ दिन स्पेंड नहीं करेंगे, पता कैसे चलेगा। अगली चीज, वहां के पढ़ाने वाले फैकल्टी कैसे हैं, क्या वह पढ़े लिखे हैं, अनुभव है। इन बातों का ज्यादा से ज्यादा प्रमुखता से जानकारी जुटाना चाहिए। साथ ही साथ वहां का रिजल्ट जरूर देखें कि क्या रिजल्ट हो रहा है। अब अगली बात,
रिजल्ट की बात करते हैं तो कैसे कंपेयर करें किसी चीज को। अगर मान लीजिए कोई बड़े संस्था है जो सो कॉल्ड ब्रांड बोल रहा है और वहां पर हजारों हजार की संख्या में पढ़ रहे हैं और 10 स्टूडेंट अगर 20 स्टूडेंट पास भी कर गए तो आप उनका रिजल्ट का रेशियो देख लीजिए, इतने लोगों को पढ़ाया और 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। तो अगर आप देखेंगे कि उनका रिजल्ट का रेशियो अच्छा नहीं, और एक साधारण कोचिंग में अगर 10-5 बच्चा पढ़ता है और उसमें एक दो लड़का अगर सफल होता है तो आप समझिए कि अगर कंपैरिजन की बात करें तो उनका रिजल्ट काफी अच्छा है। तो इन बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए। साथ ही साथ जब भी अगर कोचिंग को हम ज्वाइन करें उसके पुराने स्टूडेंट से, पुराने स्टूडेंट मतलब जो वहां पढ़ रहे हैं वो कैसा फील करते हैं, उनसे जरूर बात कर। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी दिक्कत ना हो और आप सफल हो जाए। सही बात है। ठीक उसी तरीके से इसके बारे में मैं कुछ और बताना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट, गेट, IIT जेम, BSc और MSc एंट्रेंस की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आप CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब से जुड़ सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। और हम एक बात लिखते हैं यहाँ पर कि 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी। सॉरी, कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई की जाती है बच्चों का रेगुलर क्लासेस और स्मॉल बैचेस में, पहली बात। और सबसे प्रमुख बात कि हम लोग प्रमोट करते हैं स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, और खास करके जैसे नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। और यह दोनों के लिए जरूरी है, स्टूडेंट्स को भी पता चलता है कुछ समझ रहा है नहीं समझ रहा है, टीचर को भी पता चलता है कि बच्चे की कितनी संभावना है कि पास करेगा कि नहीं, जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप पाएंगे कि हमारे यहाँ पूरी सिलेबस को बिल्कुल टाइम लाइन फ्रेम में बनाया पढ़ाया जाता है। टॉपिक वाइज आपके पास असाइनमेंट है और हम लोग टेस्ट सीरीज करते हैं टॉपिक वाइज, और साथ साथ इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं हम लोग स्टूडेंट्स को। और ये सारी बातें आपके सेटिस्फेक्शन को 100% गारंटेड करती है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो देर ना करें, 6202692436 पर कंसल्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।